हम तुम्हें चाहते हैं। अच्छा वीडियो शुरू हो गया क्या? तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी देख रहे थे, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 14, सोर्स ऑफ एनर्जी। काफ़ी भारी भरकम चीज़ आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आया ये, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। जो मुश्किल चीज़ होता है उसको समझने का मज़ा ही कुछ और होता है, उसको जब समझ लेना होता है फतह कर लिए, तो उसे समझने का मजा कुछ और होता है, तो उसको समझने में और ज़्यादा एफर्ट लगाना है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें को समझ गया है ना, तो आधे बच्चे तो ऐसे ही पीछे हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो मुश्किल चीज़ आए तो और मतलब एनर्जी से भर जाओ कि मज़े आ गए अब, तो अब इसको हम समझ जाएंगे, सबसे तेज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर समझते हैं क्या है आइंस्टीन। इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यही आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह बिल्कुल नहीं जानना, डेरिवेशन जो है भी मार्केट में अवेलेबल वो झूठा है, गलत है, ठीक है। फिर मतलब जैसे तैसे कर दिए हैं प्रूफ, ठीक है। जनरली 11th 12th के बच्चे प्रूफ करते हैं, ठीक है, बुक वगैरह तो दिया नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती फिर भी प्रूफ करते रहते हैं इसको, इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले रिलेशन को। पर हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है, तो इसको हम प्रूफ नहीं करने जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एनर्जी मास इक्वेशन है। ये क्या कहता है, सबसे पहले ये समझिए, ये कहता है मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है। सबसे पहले ये समझना है, एनर्जी ही मास, यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात नहीं आ रही। क्योंकि मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे टीचर ने क्या समझा, मैंने कहा कि सर जो हमने कोयला को कैसे मास में कन्वर्ट कर लें, तो उन्होंने कहा कि जलाओ उसको, जलाए कहाँ उतना एनर्जी मिला, कि नहीं तुम जलाओ कहाँ, राख बच गया ना उसको भी जलाओ, कह रहे पागल आदमी राख कैसे जलेगा, ठीक है। तो यहाँ जलाने की बात नहीं, तो वो कह रहे थे कि 100% अगर मास जो है हो जाएगा एनर्जी में, तुम कन्वर्ट कर दोगे, बदल दोगे, जला दोगे, तब जाके वो इतना एनर्जी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अगर मास के फॉर्म में भी है ना, तब भी उसमें एनर्जी है वो, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ कि जो बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है। अगर बर्फ अभी है तुम्हारे पास, बर्फ है, तो इसके ऐसे बात थोड़ी ना, मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, दोनों अलग, एक ही चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट है। उसी प्रकार से एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी मास अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, समझ में आई बात, दोनों सेम चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं। इसको सबसे पहले समझना है आप लोगों को, इसको समझ गया आधा चीज़ें तो यहीं क्लियर हो गया, ठीक है। इसको समझ में आया तो भैया एनर्जी कितना है, अगर 1 kg मास है तो उसमें कितना एनर्जी होगा, तो m kg मास है, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी होता है वो mc² के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है mc², ठीक है, mc², जहाँ पे m kg में रहना है, और जो c का वैल्यू होगा, c का वैल्यू जनरली कितना होता है, 3 × 10⁸, और ये किस में होगा, m/s में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तुम देखोगे स्क्वायर करोगे तो यूनिट क्या निकल के आएगा, kg m²/s², ध्यान दो ये जूल का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी एनर्जी के यूनिट को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई यूनिट से ही तो इन्होंने ये सब लफड़ा किया है कि कैसे बनेगा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आइंस्टीन एक चीज़ और जानो, आइंस्टीन ना कभी भी लेबोरेटरी में नहीं गए, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं किया, वो सारे मैथमेटिशियन थे वो, और सिर्फ कॉपी कलम उठा के ऐसे ऐसे कर करके सारा फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। तो ये डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन है, पर जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब थोड़ा सा फेक है, गलत है, डेरिवेशन है। मैंने काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ा है, मुझे पता है, ठीक है, तो लेकिन आपको ज़रूरत नहीं तो उसको हम कराने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ गए होंगे कि बस आसान सा करना आपको क्या है, आपको ई अगर एनर्जी निकालना तो मास रखिए kg में, और सी का वैल्यू तो आपको फिक्स है ही है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। अब चूँकि हम इसके बाद की चीज़ें पढ़ने के लिए कुछ एक और चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर तो स्क्वायर करना ना थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है। पर यहाँ पे आंसर जो आएगा किसमें आएगा, जूल आएगा, अगर इस यूनिट को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पर आप इस यूनिट को फॉलो करते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है 1 eV, 1 eV लिखा हुआ है, वो 1 E और V लिखा हुआ है, 1 eV, 1 eV का पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को। क्या होता है 1 eV? तो 1 eV इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले ये क्या है, ये एक अमाउंट है एनर्जी का, ठीक है, रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 V, एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड 1 eV इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 V, ठीक है। वोल्टेज तो आप लोग पढ़ा होगा हल्का फुल्का,
कभी तो पढ़ोगे, 10th में तो उसे पहले ही पढ़ोगे। अगर वोल्टेज देते हो तो क्या बोलता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, चलता है ना, इलेक्ट्रॉन चलता है तभी तो करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो करंट है, तो करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। अब आपको समझना है कि अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आएगा, तभी तो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना उसके पास, तो जितना एनर्जी आएगा उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों? अरे हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो इधर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उधर वो नोट कर रहा है जो स्लाइड में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं पढ़िए, पता नहीं कौन सा पढ़ने का तरीका है। जब भी कुछ बोर्ड पर टीचर लिख रहा होता है या कुछ समझा रहा होता है तो आपको सिर्फ उसको सुनना होता है, ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। जब भी मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता हूँ तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर को देखना होता है, ठीक है, आपको नोट कब करना है, जब ये स्लाइड ख़त्म हो जाए, इस स्लाइड पे बताया हुआ सारा चीज़, यानी कि बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सारा चीज़ मैं समझा लूँ, तब जाके आपको उसको नोट करना होता है, ठीक है। तो मैं जब स्लाइड को आगे शिफ्ट करने जाऊँ तब आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी स्लाइड में है वो चीज़ नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, इस प्रकार से नोट किया जाता है। तो चलिए, हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंशियल समझ रहे थे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंशियल क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर आपने क्रिएट किया है 1 वोल्ट का और उसके बीच 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिया है तो अपने आप इस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास ये चलेगा, ठीक है, तो जितना एनर्जी इसके पास रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इलेक्ट्रॉन का जितनी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कराता है, ठीक है। ये पूछेगा नहीं कोई, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, हमको जानना है तुम, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है, तो दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। उसका 02 लिखा हुआ है, उसको आप याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत छोटे सा अमाउंट है। मेगा, अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 1.6 × 10⁻¹³ जूल के बराबर होता है, ठीक है। इस बात एक बहुत बेहूदा सा भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का भी डिफिनेशन में पूछ लिया है कितने के बराबर होता है, तो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, तो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एक क्वेश्चन मुश्किल दे देता है, उसको आसान करने के लिए कात क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है, ठीक है। तो 1 मेगा वोल्ट का समझ ही सकते हो, मेगा मतलब क्या हो जाता है, 6 का डिफरेंस आ जाता है, मेगा मतलब होता है 10⁶, ठीक है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे और इसके आगे भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। 1 AMU, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्या होता है 1 AMU, 1 AMU होता है 1 C कार्बन एटम का मास, C12 जो कार्बन होता है उसके 1 एटम का मास को अगर हम 1/12 से डिवाइड कर देते हैं तो जितना आता है वही 1 AMU के बराबर होता है, उतना AMU कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, एटम का मास नापने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो क्या होता है केमिस्ट्री में विशेष आप जानेंगे। पर 1 AMU इज कन्वर्टली कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर 1 AMU मास को अगर हम कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो जितना एनर्जी मिलता है वो मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है, कैलकुलेट किया था कभी, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो मान लो बस कि कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 91.5 मेगावोल्ट, भी स्मॉल लिखा गया, मेगा वोल्ट में वोल्ट कैपिटल होता है, कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ता है, हायर क्लासेज में उस पर नंबर कटेंगे तो सर, ठीक है। तो इतना होता है, इसको याद रखना है कि 1 AMU, अगर 1 AMU आपके पास मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 91.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट होगा। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कन्वर्ट करना है आपको तो 931.5 × 10⁶ × 1.6, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 3 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे 931 लिखा हुआ है, 931 लिखा हुआ है, 0.5 तो बाद में याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 931 है, देखो बहुत सारा मिस्टेक हो गया है, वो टाइपिंग जल्दी जल्दी किया है मैंने तो वो मिस्टेक हो गया बहुत सारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको सही कर लेना, 931 जो कि नीचे लिखा हुआ है,
0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने कन्वर्ट किया जूल में, तो पहले तो मेगा के कारण आपके ऊपर 10^6 आया है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जूल में हम कन्वर्ट करते कितना आएगा, 1.7 × 10⁻¹⁹ आया। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके जूल में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको जूल में भी कन्वर्ट करके बता सको। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको याद रखना है। डेटा याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं क्या पूछ रहा है, वो भगवान ही मालिक है क्या क्या वो लोग पूछ ले रहे हैं, तो ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका चांद जी की किताब मैंने सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बच्चे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखना, ऐसा सोल्यूशन आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशन डाला था कि सोल्यूशन ना आए, पर आ गया तो आ गया, तो आ गया तो क्या करेंगे उसमें। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान बच्चों से होगा भी नहीं, पर फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना ही ट्राई मैंने कोशिश करने से ही जीत मिलती है। ठीक है, जो कोशिश नहीं करो तो भाई उससे क्या होगा, कोशिश करो उससे होगा या फिर नहीं होगा, पर जो नहीं करेगा उससे तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को किए होंगे। देखो एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ये भी उम्मीद कम ही है कि एग्जाम में आएगा, पर फिर भी मैंने दिया कि एक तो हायर क्लास में आपको पढ़ना है, तो पढ़ना तो आज ना कल है, दूसरा आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला आया तो उसे क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने कराया, ज़्यादा क्वेश्चन कराया नहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है इससे। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। उसने कुछ भी नहीं दिया, अल्फा पार्टिकल कैसे बनेगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है भाई, फॉर्मेशन तो उसका करेंगे ना जब हमको पता रहे अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, एटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हीलियम का न्यूक्लियस He2O4, ये है हीलियम का न्यूक्लियस, यही होता है आपका अल्फा पार्टिकल कहलाता है। यहाँ पे मास उसने न्यूक्लियस का नहीं दिया, उसने एटम का दिया है, पर टेंशन मत लो, एटम का मास न्यूक्लियस से मास के बराबर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लेक्ट कर लेते हैं, जितना भी एटम का मास दिया उसी को हम किसका मास मान लेंगे, न्यूक्लियर का मास मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जो भी मास लेते हैं हम न्यूक्लियर का मास लेते हैं, पर उसने दिया किसका मास है, एटम का। तो एक इन्फॉर्मेशन और है आपके पास, क्योंकि क्यों दिया वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन एटम का मास दिया, जो कि किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बराबर होगा। एक न्यूट्रॉन का मास दे दिया है उसने, न्यूट्रॉन तो भैया खुद ही एक पार्टिकल है, उसका क्या न्यूक्लियस, वो तो न्यूक्लियस के अंदर खुद ही रहता है। हीलियम एटम का मास दिया, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस का मास दिया। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन लिखें, रिएक्शन लिखना बहुत आसान है, केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा आसान है इसका रिएक्शन लिखना, कैसे लिखाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कुछ न्यूट्रॉन अब जोड़ोगे, जानते हो कि हाइड्रोजन मिलकर दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे या फिर हीलियम बनेगा, इसी प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम लिया, दो हाइड्रोजन एटम है, अब एक भी हाइड्रोजन लोगे अगर इसको हीलियम में कन्वर्ट करना है तुमको, तो हीलियम में कितने होते हैं, दो होते हैं ना, चार होता है, ये होता है ना हीलियम, तो कैसे दो बनेगा, एक और हाइड्रोजन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोटॉन एक एक दो दो हाइड्रोजन है, तो दो को प्रोटॉन आ गया इसके पास, और ये भी एक से दो हो गया, दो को आपका ये भी मास बढ़ा, पर यहाँ पर चार है, चार है तो बाकी कहाँ से आएगा, ये तो प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन होता है ना, ये तो एटॉमिक नंबर है, नंबर एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भैया दो दो प्रोटॉन आ गया, पर ऊपर एक बढ़ा, दो और बढ़ा हुआ है। ठीक है, दो तो आ गया यहाँ से, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो दो आ गया, पर एक दो और बढ़ा हुआ, तो दो और कहाँ से डालें, दो हमने क्या ले लिया, न्यूट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो यानी कि दो दो हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और उसके साथ साथ कौन सा और पार्टिसिपेट कर रहा है, दो को न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और बना क्या रहा है, यहाँ पे तीर गायब हो गया। देखो मतलब जो गायब नहीं होना चाहिए वो सब गायब हो रहा है, और सो नहीं गायब होना चाहिए था, देखो अब तीर आया है, तो रिएक्शन है ये, तो यहाँ पे दो ये दोनों रिएक्शन किया और क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। ठीक है, और ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है। अब हम लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये हीलियम बना है, ये बना किसके, इस इन दोनों से, तो थ्योरेटिकली तो हमारा ये होना चाहिए कि भैया मास कंजर्वेशन आप लगाओ, लगाओगे ना, लगता नहीं है पर लगाएंगे हम लोग, थ्योरेटिकली तो हम यही कहते हैं कि भैया चूंकि इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों को ऐड करने से बना, तो दोनों के मास के समेशन के बराबर होगा, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का मास है और यहाँ पे दो नाइट्रोजन का मास है, तो मैंने दो प्रोटॉन का मास ले लिया और दो न्यूट्रॉन का। जनरली हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके पास एक एक होता है ना, एक प्रोटॉन होता है और ऊपर भी एटॉमिक मास भी एक है, मतलब कि न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, जीरो है। ये सब आप केमिस्ट्री में सीखते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, जीरो है,
क्लियर है। तो इसको हम प्रोटॉन भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने प्रोटॉन लिख लिया कि दो प्रोटॉन चाहिए आपको और दो गो न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। मैंने प्रोटॉन का मास कितना हो, हाइड्रोजन के बराबर है, तो मैंने उसको यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास है तो मैंने न्यूट्रॉन का मास लिख दिया, दोनों को सोल्व किया, इतना आंसर आया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पता नहीं फालतू सा क्या लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब है ऑब्जर्व मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जो कि हीलियम के एटम के मास के बराबर होता है, तो इसको मैंने हूबहू यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये दिया हुआ है, ऑब्जर्व मास है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमने कैलकुलेट करके लाया, जोड़ के इन दोनों से बनाया तो इसके बराबर होना चाहिए इस दोनों के मास के, तो ये इतना आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व मास उसने बताया इतना है, तो कुछ ना कुछ भैया होना चाहिए था, इतना है इतना, यानी कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ है। मास का लॉस मैंने निकाला, डेल्टा एम निकाला, दोनों घटा लिया, ऊपर वाले ये डेटा और इस डेटा को क्या कर लिया, घटा लिया, ठीक है। उन दोनों के डेटा को घटाया और हम लोगों ने निकाला क्या, मास लॉस। तो मास लॉस हुआ है कुछ 0.03038 के एमयू के बराबर। तो हमने क्या किया, पिछले इक्वेशन में देखा था कि एक एमयू को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 को जनरली याद नहीं रहता तो उसको हटा ही देते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज करता है एक एमयू से, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, घर से ही कैलकुलेट करके ले गया क्योंकि इतना कैलकुलेट करने में ना दिक्कत होता है, तो हम लोग घर से कैलकुलेट किसी याद करके ले जाएंगे, ठीक है। इतना एमयू इसमें बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये निकल गया इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें रेडिएट होगा, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल के फॉर्मेशन में इन डेटा से, ठीक है। इतना एनर्जी आपका रेडिएट होगा, इतना एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन नहीं भी हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आएगा, इसकी कम ही संभावना है, ठीक है। इस लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, इसकी कम संभावना है, लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना चाहिए था, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए था, थोड़ा सा लेवल भी आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो तो टेंथ ही तक थोड़ा ना पढ़ना है, आपको हायर क्लासेस में भी जाना है ना, तो वहाँ भी तो पढ़ना है आपको, और बाहर जाओगे तो थोड़ा सा लेवल भी आप लोगों का रहना चाहिए ताकि आपका बाहर तारीफ हो, मेरा भी तारीफ हो, कहाँ से पढ़ के आओ तो मेरे से पढ़ के आओ, नाम लोगे तो बाहर वाला टीचर भी ठीक है, हिल्सा का टीचर ना बहुत काबिल है, ठीक है। चलिए एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर आते हैं, अब न्यूक्लियर एनर्जी का एंड करने जा रहे हैं, हाँ फ्यूजन मिसिंग है, अभी फ्यूजन को मैं बना के ऐड कर दूंगा बीच में कहीं पे, ठीक है। एडवांटेजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे पहला आया है ई एक्सपेंसिव, यानी कि एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, एडवांटेज है ना, लेस फ्यूल, यूरेनियम इज यूज्ड, महंगा तो है पर यूरेनियम बहुत ही कम यूरेनियम की जरूरत पड़ता है हमें, ठीक है, तो बहुत कम जरूरत है तो महंगा भी रहेगा, तो भाई अगर मिल गया तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो लेस फ्यूल यानी कि फ्यूल मतलब यूरेनियम इज यूज टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कोल और ऑयल, अगर उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोल और ऑयल की जरूरत पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ेगा, पर अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो फ्यूल की जरूरत पड़ रहा है, जो यूरेनियम है, वो हमें बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, यानी कम खर्चीला है, कम महंगा पड़ता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल, इस पर हम विश्वसनीय है, विश्वास हम कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन रन अनइंटरप्टेड फॉर अप टू 540 डेज, 540 दिन तक ये बिना किसी इंटरप्शन के, बिना इसको हाथ लगाए, बिना छेड़छाड़ किए वो आराम से चलता रहेगा, कुछ भी उसको करना नहीं है, तो एक बार चालू करके छोड़ दिया चलते रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, फ्यूल व्यूल भी डालना नहीं है क्योंकि तो एक बार ही फ्यूल तुम जितना डाल देते हो ना वो सफिशियंट होता है, क्योंकि बहुत कम फ्यूल का इसमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा रिलायबल है, बट चलता रहेगा, कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा। ऑल्सो रनिंग ऑफ प्लांट इज नॉट कंटिंजेंट ऑफ वेदर और फॉरजिन सप्लायर्स, ठीक है, यानी कि एक और फायदा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आसपास के लोगों को कम डिस्टर्ब, उसका वेदर को कम प्रभावित करता है, जो आसपास के लोग हैं उनको कम प्रभावित करता है, कंटिंजेंट यानी उसको नुकसान कम पहुंचाता है, ठीक है। आपको अगर सर आप कह रहे थे बहुत नुकसान है, रेडिएशन वगैरह होता है, हाँ पर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैक होता है, थोड़ा सा भी पॉल्यूशन हो गया ना, थोड़ा सा रेडिएशन बाहर आ गया तो खत्म हो जाएगा, फिर नहीं चला पाओगे उसको तुम, तो पूरी तरह से पैक होता है, तो वहाँ से बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं निकलता है, तो वो एक तरह से इन्वायरमेंट को बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है, इतना सा हम पैक रखते हैं उसको, थोड़ा सा भी दिक्कत करेगा तो फिर तो खत्म ही हो गया। ऐसे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ लगाया जाता है ना, तो आसपास के इलाके में देखें तो आबादी ना हो, क्योंकि भाई रेडिएशन तो जनरेट नहीं करता है, पर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उसने डैमेज हो गया, तब तो गया उसके आसपास के सारे लोग,
और अगर आसपास आबादी है तो सबके सब जाएंगे, फिर तो गवर्नमेंट की जो बैंड बजेगी वो पूछो मत। तो ये था आपका, ठीक है, ये तो हम लोग दे चुके हैं ना, ये पीछे कैसे चल रहा है ये। आगे हम लोग चलते हैं आगे, जल्दी 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 आगे चलो चलो, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये सब डिस्टर्बेंस होता रहता है मोबाइल में। तो नेक्स्ट है आपका नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता, जनरली जो भी पावर प्लांट चलते हैं उसमें CO2 गैस निकलता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस निकलता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो कोई भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता है न्यूक्लियर एनर्जी में। नेक्स्ट चलते हैं हम डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी का। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। पहले तो इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का डर होता है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। हमको पूरा सियोरिटी चाहिए कि भैया कोई रेडिएशन बाहर ना आए, तो बहुत मोटे मोटे कंक्रीट के दीवार चारों तरफ होते हैं, पूरी तरह से इसको पैक किया जाता है, कोई आदमी अंदर नहीं जाए, बाहर से जो करना है इसको करे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, इसमें सदैव एक्सीडेंट का रिस्क रहता है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ, डैमेज, कोई भी क्रैक आ गया अगर दीवार वगैरह में, तो उससे रेडिएशन जो बाहर निकलेगा वो सबको प्रभावित करेगा, ठीक है। और उसको फिर रोक पाना भी मुश्किल है कि कौन जाके उसको बंद करेगा, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। उसके बाद बेस्ट प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होगा, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा कि भैया आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है, आप बहुत खुश हो रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिल रही है उसके साथ खुशी तो मना रहे हो, बहुत खुश हुए जा रहे हो, डीजे लगा के नाच गान रहे हो, पर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो बगल में रेडियो एक्टिव वेस्टेज भी मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। जो वेस्टेज निकलता है उसमें, मैंने बताया था कि जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स वो तो आपके इस्तेमाल का है नहीं, तो उसको कहाँ फेंकोगे, जहाँ भी फेंकोगे वो नुकसान करेगा, ठीक है। धरती में गाड़ोगे धरती को बर्बाद कर देगा, उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, वहाँ पर फसल नहीं उगेगा। उसके बाद अगर उसको तुमने समुद्र में डाल दिया तो समुद्र के जीव जंतु मर जाएंगे, तो कहीं भी डालोगे नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्टेज इसके काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोगों को बस लगभग ख़त्म ही हो गया ये चैप्टर। अब हम लोगों को थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैं तो काफ़ी पूछता हूँ, ठीक है। वह इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, अगर आपका एनर्जी डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है। आप इसी प्रकार से एनर्जी को अगर खाते रहें, एनर्जी का यूज करते रहे, तो आपको क्या इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, जैसे कोरोना वायरस आ गया, सब लोग घर में पैक हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट पे और भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पूरा एक स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि हम एनर्जी सेव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एक दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है, कुछ आप भी मेहनत करो, एक बटन दबाना है बस आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने जो भी दोस्त हैं जिसका भी नंबर आपके पास है, फ़ोन नंबर, फ़ोन कर करके बोलो उसको, धमका धमका के वीडियो लिखना है, ठीक है, एकदम टाइम से देखना है। जो एकदम बिल्कुल आलसी बच्चा है, बिल्कुल एकदम पढ़ना लिखने से वास्ता नहीं, उसको भी कहोगी तुमको ना वीडियो चला के ही रखना है, ठीक है, और नोट्स बना लेना है। बाकी तुम उछल कूद कितना उछल कूद करेगा, दिन भर तो फिर ये बैठा हुआ है। चलिए इस लेसन में, इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।